Okay, hello everyone, welcome to the session. I hope I am visible to you all. Finally, last novel, novel number 4, जिसका नाम है The Sign of 4, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं. बड़ी ही सस्पेंस वाली स्टोरी है, थ्रिलर है, अंदर मर्डर की स्टोरी है, मिस्ट्री है इन द सेंस. तो एक मिस्ट्री केस है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं. हम नहीं, शेरलॉक होम्स और उनके साथ साथ हम भी सॉल्व कर लेंगे, राइट? सो लेट मी चेक इधर पे कौन कौन आ चुका है. ओके, सागर, अंबिका, अल्तमाश, जागरूकती, हर्षु, राजश्री, सैयद, अल्तमाश, हाफिज, अनुजा, ग्रेट. सो वेलकम टू दिस सेशन. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लास्ट नॉवल है अपनी, यानी कि हमने अब तक आपकी स्टार्टिंग की जो तीन नॉवल है, कौन सी तीन नॉवल? सबसे पहली नॉवल का नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवल, डन हो चुका है. टू सर विथ लव, डन हो चुका है. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज भी डन हो चुका है. और आज द साइन ऑफ 4 भी डन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और आज का सेशन तो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ये जो नॉवल है ये बहुत सारे पिक्चर्स, कार्टून के पिक्चर्स लगा के बताने वाली हूँ, एनिमेटेड टाइप, ठीक है? एनिमेटेड के इमेजेस, ओके? तो जो भी चीज मैं, मतलब जो भी स्टोरी है वो आप देख पाओगे, ओके? मतलब विजुअलाइज कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे मैंने ऐड करी हूँ, ओके? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नॉवल नंबर 4.4, द साइन ऑफ 4. सबसे पहले ये जो है नॉवल, ये एक रियल नॉवल नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन अनट्रू स्टोरी, ठीक है? मतलब कि इमेजिनेटिव स्टोरी है, इमेजिनेटिव स्टोरी है, कोई इसके अंदर रियल घटना पे आधारित स्टोरी नहीं है. इसके राइटर कौन है? सर आर्थर इग्नेटियस कॉनन डॉयल. तो बहुत ही खतरनाक नाम है इनका. तो इन्होंने ये नॉवल को लिखे है, ठीक है? क्या बताई मैंने, रियल स्टोरी पे बेस नहीं है, इट इज जस्ट एन इमेजिनेटिव स्टोरी. बट इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है शेरलॉक होम्स, ठीक है, जो कि एक डिटेक्टिव है, वो क्या है पता है? आर्थर, ये जो अपने नॉवलिस्ट है, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, और उसमें से बहुत सारी अपने नॉवल के अंदर ये शेरलॉक होम का उन्होंने कैरेक्टर डाले ही डाले हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको एक याद रखनी है. ये जो अपने नॉवलिस्ट है, इनका नाम क्या है? आर्थर कॉनन डॉयल. ये क्या है? एक प्रोफेलिक राइटर है, सॉरी प्रोलिफिक राइटर है. इन द सेंस ये अपनी जिंदगी में बहुत सारी नॉवल बैक टू बैक प्रोड्यूस करते रहते थे, ठीक है? बहुत सारी नॉवल लिखते थे. ऐसा नहीं है कि एक नॉवल लिखे थे, 5 साल बाद दूसरी नॉवल आ रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बैक टू बैक बहुत नॉवल इन्होंने लिखे है, ठीक है? और बहुत सी नॉवल में ये क्या करते थे, शेरलॉक होम का, मतलब अगर उनकी नॉवल मिस्ट्री के मिस्ट्री टाइप नॉवल है, तो उसमें शेरलॉक होम का कैरेक्टर होता ही होता था. और शेरलॉक होम का एक बेस्ट फ्रेंड था, पार्टनर था, जो कि था डॉक्टर वॉटसन, वो भी होता था, ठीक है? तो ये स्टोरी में भी क्या होने वाला है, ये स्टोरी जो है अपनी द साइन ऑफ 4, इसके अंदर भी शेरलॉक होम जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखी हूँ, शेरलॉक होम्स क्या करने वाला है, डॉक्टर वॉटसन के साथ मिल के क्या करेगा, एक मर्डर की मिस्ट्री है, ठीक है? किसके पीछे मर्डर हुआ था? एक खजाने को लेके सबका मर्डर हो रहा था, तो सॉल्व करना था, मिस्ट्री थी, वो सॉल्व करना था. जो सॉल्व किया गया है किसके द्वारा? शेरलॉक होम्स के द्वारा, ठीक है? अब इसके अंदर ये देखो अपने नॉवल का कवर पेज है, ठीक है? नॉवल कुछ इस प्रकार की दिखती थी, ठीक है? बीच में शेरलॉक होम है, बाजू में ये कौन है, डॉक्टर वॉटसन है, और इसके बाजू में ये जो लड़की है, इसके डैडी का मर्डर, सॉरी इसके डैडी घूम गए थे, तो उसका केस सॉल्व करना था. अभी जल्दी से पहले हम क्या करेंगे, इसके इस नॉवल के अंदर जो भी मेन कैरेक्टर है, इस नॉवल के अंदर जो भी मेन कैरेक्टर है, इसके हर कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले कौन है, ये एक पिक्चर है. देखो आप गूगल में जाओगे, टाइप करोगे शेरलॉक होम द साइन ऑफ 4, तो आपको पिक्चर मूवी भी देखने को मिलेगी, बट उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा कार्टून टाइप, यहाँ पे देखो आपको कार्टून टाइप दिख रहा है,
ऐसे में बहुत सारी फोटो लगा के आपको स्टोरी समझाने वाली हूँ। तो अपना सबसे पहला कैरेक्टर कौन है, ये यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेरलॉक होम। ये कौन है? ये एक डिटेक्टिव है और हमारी इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि सबसे मेन कैरेक्टर है, ठीक है, लीड रोल प्ले करने वाला है। दूसरा, ये एक केस सॉल्व करेगा। किसका केस? मैरी मॉर्स्टन नाम की एक लड़की है जो आपको इधर पे दिख रही है, बीच में जो खड़ी है, इसका केस ये सॉल्व करने वाला है, एक डिटेक्टिव है। इसलिए इसका नेचर कैसा है? बहुत ही शार्प है, इंटेलिजेंट है और उसको काम करना बहुत पसंद है, इसलिए ये एक वर्कहोलिक इंसान है। कैरेक्टर स्केच आया तो ये सारे पॉइंट को एलैबोरेट करके पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिख देना। ओके, तो ये अपना पहला कैरेक्टर हो गया जो कि है शेरलॉक होम्स। दूसरा कैरेक्टर अपना इधर पे आपको दिख रहा है ब्लू, ये कौन है? इसका नाम है डॉक्टर वॉटसन। ये कौन है? डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक का पार्टनर है, ठीक है, मतलब ये कोई भी केस जब सॉल्व करना होता है तो ये डॉक्टर वॉटसन हमेशा शेरलॉक के साथ होता है। ये क्या था? आर्मी में पहले एक सर्जियन था, इसलिए डॉक्टर रह चुका है बट डिटेक्टिव के साथ पार्टनर बन के बैठा। ये जो डॉक्टर वॉटसन होता है, इसको मैरी, ये जो बीच में लड़की खड़ी है, इससे हो जाता है लव, इससे हो जाता है प्यार, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है शेरलॉक की कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया वॉटसन के बारे में। तीसरा कैरेक्टर अपना कौन सा है? तीसरा कैरेक्टर अपना है मैरी मॉर्स्टन, ठीक है, ये एक लेडी है मैरी मॉर्स्टन। ये क्या है? इसके डैडी जो है, मैरी मॉर्स्टन के डैडी पिछले 10 सालों से गायब है, कुछ अता पता नहीं है, लापता हो चुके हैं। तो मैरी मॉर्स्टन जो है अपने फादर को बहुत टाइम से ढूंढ रही है, सर्च कर रही है और वही केस वो आती है शेरलॉक के पास लेकर, ठीक है। उसके डैडी का नाम क्या है? आर्थर मॉर्स्टन। मैरी मॉर्स्टन के डैडी का नाम क्या है? आर्थर मॉर्स्टन, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बाकी का हम बाद में देखेंगे स्टोरी में पढ़ने वाले। आर्थर मॉर्स्टन कौन थे, यानी उसी के डैडी, ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडिया में, अंडमान आइलैंड के, फिर बाद में वो गार्ड बन गए थे, प्रिजन गार्ड जो होते हैं, और फिर उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर अपना कौन है? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेजर जॉन शॉल्टो। गौर से ध्यान दो इधर पे, ये तीसरा कैरेक्टर अपना जो है, इसका नाम है मेजर जॉन शॉल्टो। ये भी जो था जॉन शॉल्टो, ये भी किसके साथ काम करता था? इसके साथ, आर्थर मॉर्स्टन के साथ ये काम करता था, अंडमान आइलैंड में ये भी एक प्रिजनर गार्ड था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। थर्ड कैरेक्टर, थर्ड नहीं, नेक्स्ट कैरेक्टर अपना कौन सा है? ये जॉन शॉल्टो के दो बेटे होते हैं, जॉन शॉल्टो के दो बेटे होते हैं, ठीक है, ये बेटा नंबर वन, ये बेटा नंबर टू, ठीक है। बेटा नंबर वन का नाम क्या है? रुको, ये वाला छोटा है, ये यंगर है, और ये जो खजाना पकड़ा है ये ओल्डर है। तो यंगर वाले का नाम क्या है? थैडियस। और छोटे बड़े वाले का नाम क्या है जो इधर पे है ओल्डर? ये है बार्थोलोमियो। तो देखो इतना नाम याद रखो वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए कौन किसका बेटा है, कौन किसके डैडी है, और कौन क्या किसका पार्टनर है, ठीक है। शेरलॉक होम है डिटेक्टिव, उसका पार्टनर कौन है? डॉक्टर वॉटसन। मैरी है, मैरी के डैडी आर्थर है, ठीक है। फिर अपना जॉन शॉल्टो है, ठीक है, उसके दो बेटे हैं, दो बेटे कौन है? थैडियस और बार्थोलोमियो। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर अपना ये है, नेक्स्ट कैरेक्टर ये है, इसका नाम क्या है याद रखना? ये वाला जो अपना कैरेक्टर है, इसका एक पैर लकड़े का होता है, इधर पे आपको दिख रहा है, एक नॉर्मल पैर में जूता पहना है, दूसरा पैर में इधर लकड़ा रखा हुआ है वुडन। तो इसका नाम है जॉनथन स्मॉल, ठीक है, इसका नाम क्या है? जॉनथन स्मॉल। इसका एक पैर किसका होता है? लकड़े का होता है, वुड का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर अपना कौन सा है? ये इंसान थोड़ा सा आपको आदिवासी टाइप दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोंगा। बहुत सारे कैरेक्टर है यार, प्लीज आपको नोट डाउन करना होगा वरना सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है अपना इधर पे आपको जो दिख रहा है आदिवासी टाइप, ये पैगमी टाइप है, मतलब कि इसकी हाइट बहुत छोटी है और आदिवासी की कैटेगरी में जाता है, इसका नाम क्या है? टोंगा। टोंगा कौन है? टोंगा पार्टनर है जॉनथन स्मॉल का। जॉनथन स्मॉल और टोंगा जो है एक दूसरे के साथी है, जहां भी जो भी
लोग घूमते फिरते जो भी केस सॉल्व करना होता है, जो भी करना होता है, लोग साथ में मिलके करते हैं। तो जोनाथन स्मॉल और टोंगा एक दूसरे के क्या है, कंपेनियन है। ओके, और लास्ट कैरेक्टर हमारा रहा ये डॉगी। इस डॉगी का नाम क्या है, टॉबी। इस डॉगी का नाम क्या है, टॉबी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये टॉबी किसका डॉगी है, ये टॉबी अपना इधर पे जो इंसान दिख रहा है ये कौन है, शेरलॉक होम। याद रखना टॉबी किसका किसका डॉगी है, शेरलॉक होम का। ये जो टॉबी है अपना, ये क्या करता है, कोई भी मिस्ट्री केस का जो भी सेंट खुशबू जो भी पता लगानी होती है उसमें हेल्प करता है। तो ये सारे अपने कैरेक्टर हो गए, ये सारे कैरेक्टर आपको इस नॉवेल के अंदर स्टोरी में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया है तो अब हमारी स्टोरी की शुरुआत होगी। आपके स्टोरी की शुरुआत क्या होती है, गौर से सुनो। यस, टोंगा एंड जोनाथन साथ में होते हैं और डॉग का नाम है टोनी नहीं, टॉबी। टॉबी नाम है, TOBY, टोनी नहीं है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं नॉवल की स्टोरी को पढ़ना। बहुत सारी इमेजेस के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो अपनी नजर आपको क्या करना है, वीडियो में भी रखनी है। 3, 2, 1, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, लेट अस स्टार्ट। द नॉवल बिगिंस विद द होम एंड डॉक्टर वॉटसन एंगेज इन अ डिस्कशन व्हेन मैरी मॉर्स्टन, अ यंग वुमन हु डिजायर्स होम्स एडवाइस। क्या होता है, एक रूम होता है, ठीक है, एक जगह होती है, वो जगह का नाम होता है बेकर स्ट्रीट। ठीक है, उस बेकर स्ट्रीट के अंदर कौन होता है, शेरलॉक होम, जो कि एक डिटेक्टिव है। हर एक डिटेक्टिव की एक जगह होती है, वो इधर पे आके बैठता है, जो भी इंसान को अपना केस सॉल्व करवाना है वो आता है, ठक ठक करता है, अपनी छिट्टी देता है, अपना नाम बताता है और बोलता है कि मुझे आपसे अपना केस सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन एक रूम में बैठे हुए होते हैं, उतने में मैरी मॉर्स्टन की छिट्टी आती है। ठीक है, वो छिट्टी देखता है, उसमें नाम किसका लिखा है, मैरी मॉर्स्टन। मैरी मॉर्स्टन भी कमरे में आती है, अब तीनों साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कौन है, शेरलॉक होम, मैरी मॉर्स्टन एंड डॉक्टर वॉटसन बैठे हुए हैं। मैरी मॉर्स्टन क्या बोलती है, चलो रीड करते। मैरी मॉर्स्टन को शेरलॉक होम की कुछ एडवाइस चाहिए, वो बात करने के लिए आई है। क्या बात करने के लिए आई है, चलो। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग में वो क्या बोलती है, मैरी टेल्स डेट आफ्टर हर फादर डिसअपियर्ड अंडर मिस्टेरियस सर्कमस्टेंसेस सम 10 years एगो शी बिगेन रिसीविंग अ लार्ज पर्ल एवरी ईयर। क्या बोलती है कि देखो, लोग तीनों बैठे हुए हैं, मैरी मॉर्स्टन, ये जो बीच में लड़की बैठी है, ये शेरलॉक होम को क्या बोलती है, लगभग 10, 1 मिनट माइक गिर गया, लगभग 10 साल पहले मेरे फादर गुम हो चुके हैं। उसके बाद से, जब से मेरे फादर गुम हुए हैं, मुझे वो टाइम उसी डेट में हर साल एक पर्ल रिसीव होता है, एक पर्ल रिसीव होता है एवरी सेम डेट एवरी ईयर। ठीक है, वो अपने पर्स में से वो पर्ल निकालती है और ये पर्ल्स बताती है, बोल के देखो इतने सारे पर्ल्स मेरे को जमा हो गए हैं। ठीक है, जो शेरलॉक होम होता है वो पर्ल को ऐसा देखता है और बोलता है ये तो असली पर्ल है, ये तो एकदम रियल है, ये तो एकदम जेन्यून है, ये कोई नकली पर्ल नहीं है। शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो क्या बोलती है, वो मुझे वो पर्ल हमेशा हर साल एक ही डेट पे मिलता है। वो डेट कब है, वो डेट है जब मेरे डैडी जिस दिन गायब हुए थे 10 साल पहले। और क्या बोलती है, देखो, she tells that she has received a letter instructing her to go। और क्या बोलती है, पर्ल के साथ मुझे आज एक लेटर भी मिला है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि मुझे एक लाइसियम थिएटर है, उसमें कोई भी दो फ्रेंड्स के साथ जाना है। एक लेटर उसको आया है, उस लेटर में लिखा हुआ है कि तुझे और तू अपने साथ अपने दो फ्रेंड्स को लेकर लासियम थिएटर नाम के जगह पे तुझे आना है। ठीक है, और वो लेटर, द लेटर गिव्स अ हिंट दैट सम इनजस्टिस हैज बीन डन टू हर। और वो लेटर में कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो ये बताती है कि मैरी मॉर्स्टन के साथ कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, तो मैरी मॉर्स्टन के साथ दो फ्रेंड्स को जाने थे, तो डॉक्टर शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन रेडी हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। ठीक है, तो ये बात देखो,
कौन है ये डॉक्टर वॉटसन पढ़ रहा है कि लेटर में लिखा हुआ है कि दो फ्रेंड को लेके लास्ट टाइम थिएटर में आ जाना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ बात करनी। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि हम तीनों जाएंगे आपको एकम्पनाई करेंगे। ठीक है, फिर जब मैरी मॉर्स्टन जा रही होती है, ठीक है, रिटर्न, क्योंकि लोग शाम में मिलने वाले हैं, तो ये जो डॉक्टर वॉटसन होता है मैरी मॉर्स्टन को जाते हुए देखता है, बहुत ही टाइम से देखता है कैसे आई थी कैसे जाई थी गई थी। तो यहाँ पे उसको हो जाता है उससे लव अट्रैक्शन, और फिर बाद में दोनों की एक दूसरे से शादी भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि होम्स और वॉटसन रेडी हो जाते हैं कि हम मैरी के साथ शाम में लासियम थिएटर जाएंगे, और वॉटसन और मैरी अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से उसी दौरान, कि वो बात की बात है। ठीक है, वो उसको ऐसी देखते बैठा है कैसे जा रही है ना, पसंद आ गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हेन द थ्री आर हेडिंग टू द लासियम थिएटर, अब शाम हो चुकी है, लासियम थिएटर में तीनों, कौन तीनों, शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी मॉर्स्टन जा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, तभी लोग को एक इंसान जिसका नाम क्या है, थेडियस शॉल्टो, वो मिलता है। गौर से देखो, थेडियस शॉल्टो नाम का इंसान उन लोग को मिलता है। ठीक है, देखो ये घोड़ा गाड़ी है, उसमें बैठ के तीनों शाम में जाते हैं जिस जगह पे उसको लेटर में बुलाया गया था। अब लोग एक रूम में आ चुके हैं, उस रूम में एक इंसान वो लोग को मिलता है, यहाँ पे जो बैठा हुआ दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थेडियस शॉल्टो। ठीक है, इसका नाम क्या है, थेडियस शॉल्टो। ये वही इंसान है जो मैरी मॉर्स्टन को पर्स भेज रहा था, ये वही इंसान है जो मैरी मॉर्स्टन को लेटर भेज के इस जगह पे बुलाया है लासियम थिएटर में। अब देखते हैं थेडियस शॉल्टो क्या बोलना चाहता है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, माइक थोड़ा फ्लक्चुएट करता है? ठीक है, अब देखते हैं थेडियस शॉल्टो क्या बोलता है, उसको क्या बोलना है। तो ये अपनी बात बोलना स्टार्ट करता है, ये थेडियस शॉल्टो मैरी मॉर्स्टन को कुछ बोलना स्टार्ट करता है। क्या बोलता है, ही रिवील्स डेट नॉट ओनली हैज मैरी फादर्स डाइड बट ऑल्सो शी इज पार्शियल हायर टू अ ग्रेट हिडन ट्रेजर। ये थेडियस मैरी मॉर्स्टन को क्या बोलता है कि तुम्हारे डैडी की डेथ हो चुकी है, ठीक है, 10 साल पहले, अब उनको ढूंढना बंद करो, उनकी डेथ हो चुकी है, और दूसरी बात, हमारे पास एक खजाना है और उस खजाने की थोड़ी सी हिस्सेदार तुम्हारा भी है उसमें, तुम्हारा थोड़ा सा हिस्सा, उसमें थोड़ा सा शेयर तुम्हारा भी है, यानी मैरी मॉर्स्टन का भी है। ये बात थेडियस उसको बोलता है। और क्या बोलता है, थेडियस गोज ऑन टू एक्सप्लेन डेट हिज फादर ऑलवेज लिव्ड इन अ फियर ऑफ मैन विथ वुडन लेग। और क्या बोलता है थेडियस, दूसरी बात बोलता है कि मेरे जो डैडी थे वो ना एक इंसान से बहुत डरते थे, और वो जिस इंसान से डरते थे उस इंसान का एक पैर वुडन वुड का था, लकड़े का था। आप सब तो समझ ही गए हो कौन है वो, जोनाथन स्मॉल हमने पढ़े। ठीक है, ये बात वो बोलता है कि मेरे जो डैडी है वो एक इंसान से बहुत डरते थे जिसका एक पैर वुड का था। ठीक है, क्या होता है, एक दिन मेरे डैडी ऑन हिज डेड बेड द एल्डर शॉल्टो रिवील टू हिज सन, मेरे डैडी हम से क्या रिवील करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा खजाना है, ठीक है, और वो खजाना किधर पे रखा हुआ है वो मुझे बताने ही जा रहे होते हैं, उतने में खिड़की में एक दाढ़ी वाला इंसान उनको दिखता है, और उस दाढ़ी वाले इंसान को देख के मेरे डैडी इतना डर जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक आ जाता है और फिर सुबह उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो देखो फिर से मैं आपको विजुअलाइज करके बताती हूँ, इधर पे कौन खड़ा है, ये है थेडियस, ठीक है, और ये है इसके डैडी, थेडियस के डैडी, ओके, इसके थेडियस के डैडी का नाम क्या है, मेजर शॉल्ट। ठीक है, तो थेडियस के डैडी मेजर शॉल्टो जब थेडियस को बताने जा रहे होते हैं कि हमारे पास एक खजाना है और वो किधर रखा है, उतने में विंडो पे उनको एक इंसान दिखता है जिसकी दाढ़ी होती है, उस इंसान को देख के थेडियस के डैडी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती
यानी खजाना किधर रखा है ये बताए बिना ही उनकी डेथ हो जाती है। अब थैडियस को इतना तो पता है कि हमारे पास एक खजाना है, बट वो खजाना किधर है ये बात अब उसको पता लगानी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि इसके दो बेटे हैं, ठीक है, एक कौन है, थैडियस, और दूसरा कौन है बताओ। दो बेटे थे, एक का नाम तो थैडियस है ये हमको पता लग गया, और दूसरा कौन बताएगा, हु इज द सेकेंड सन, थैडियस का भाई कौन है, जल्दी से बताओ, लेट मी चेक किसने कैरेक्टर स्केच अच्छे से पढ़ा। Who is the brother of Thaddeus? जल्दी, अब शांत हो गए, सोचो। टोनी, वाओ, हंसने का था क्या? टॉबी डॉग है यार। बार्थलोमियो, क्या बात है, संकेत राउत का इधर पे करेक्ट आंसर आया है, बार्थलोमियो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि थैडियस के डैडी और बार्थलोमियो के डैडी ये है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये बताने ही जा रहे थे कि हमारे पास एक खजाना है, लेकिन वो खजाना किधर है वो बताने से पहले उनकी डेथ हो गई। अब थैडियस और बार्थलोमियो क्या करेंगे, थैडियस और बार्थलोमियो भाई है एक दूसरे के, तो लोग ढूंढेंगे कि खजाना किधर है, क्योंकि इतना तो पता है कि खजाना है, बट वो किधर है वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उनके डैडी की डेथ हो चुकी है, बट क्या होता है देखो, सुबह उसके डैडी मेजर शोल्टो, द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोट वॉज फाउंड अफिक्स टू द बॉडी, मेजर शोल्टो की बॉडी के ऊपर दूसरे दिन एक चिट्ठी मिली होती है, उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ होता है साइन ऑफ फोर। और थैडियस क्या बोलता है, थैडियस एक्सप्लेन दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर इयर्स फॉर द ट्रेजर हिज ब्रदर बार्थलोमियो डिस्कवर इट इन अ हिडन अटैक इन द फैमिली। देखो, दूसरी सुबह मेजर शोल्टो यानी थैडियस और बार्थलोमियो के डैडी के ऊपर एक चिट्ठी लगी हुई मिलती है, एक लेटर लगा हुआ मिलता है, उस लेटर को लोग जब उठाते हैं और देखते हैं तो उस लेटर में लिखा होता है द साइन ऑफ फोर। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलती है क्या है द साइन ऑफ फोर, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, वो लोग चिट्ठी को तो रख लेते हैं। अब क्या होता है, दोनों भाई, ये है थैडियस और ये है बार्थलोमियो, बहुत सालों तक ये खजाना ढूंढते हैं, लेकिन फाइनली एक दिन वो लोग को क्या मिल जाता है, खजाना मिल जाता है। ठीक है, तो देखो इन लोग को इधर पे खजाना मिल गया फाइनली। अब इन लोग को खजाना मिल चुका है तो वो क्या बोलता है कि हमारे पास वो खजाना रखा हुआ है, मैरी मॉर्स्टन, मैंने आपको इस यहाँ पे इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि इस खजाने की थोड़ा सा शेयर इसमें आपका भी है, ऐसा मेरे डैडी ने बोले थे डेथ होने से पहले कि मैरी मॉर्स्टन को भी इसमें से थोड़ा खजाना तुमको देना होगा। ठीक है, देखो मेरे डैडी हमको क्या कसम देते हैं, दे वुड शेयर द ट्रेजर विद मैरी मॉर्स्टन, हमारे डैडी हमको कसम देते हैं कि जो जब आपको खजाना मिलेगा तो उसके अंदर का थोड़ा सा खजाना आपको मैरी मॉर्स्टन के साथ शेयर करना है। ठीक है, थैडियस कंक्लूड्स बाय एंट्रीटिंग द थ्री टू एकम्पनाय हिम टू फैमिली एस्टेट वेयर दे विल बी डिवाइड अप द फॉर्च्यून। क्या बोलता है, तो इसलिए मैंने आपको इधर पे बुलाया हूं, चलो हम खजाने के पास जाते हैं बार्थलोमियो। ठीक है, थैडियस ये सारी बात बोल रहा है ना, देखो थैडियस इधर बैठा है, ये सारी बात वो मॉर्स्टन, मैरी मॉर्स्टन को बोल रहा है कि फाइनली हमको खजाना मिल चुका है, बहुत सालों तक हमने ढूंढे, अभी चलो बार्थलोमियो के पास वो खजाना रखा हुआ है, उसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको दे देता हूँ क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे ये कसम दिए थे कि मैरी मॉर्स्टन के साथ तुमको खजाना शेयर करना है। ठीक है, अब क्या होता है, सब बोलते हैं ओके, ठीक है, डन हो जाता है। अब सब लोग निकलते हैं खजाना को शेयर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तब क्या होता है देखो, व्हेन दे अराइव एट द फैमिली एस्टेट, जब वो लोग पहुंचते हैं उस जगह पे जहां पे खजाना रखा हुआ है, तब वो लोग को क्या मिलता है, तब वो लोग को एक शेकन हाउसकीपर, यानी कि वहां पे एक मेड होती है हाउसकीपर जो घर संभालते हैं, वो एकदम डरी हुई होती है, एकदम हद से ज्यादा ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, वहां पे घर संभालने वाली एकदम शेकन डरी हुई क्या बोलती है, शी क्लेम्स डैट बार्थलोमियो सुबह से कमरे में बंद है, सुबह से वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठोक ठोक के परेशान हो गई हूं, बट अंदर से दरवाजा लॉक है एंड सुबह से बंद है। ठीक है, तो क्या होता है, होम्स यानी कौन, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन,
क्या करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, ब्रेकिंग द डोर, और उसके अंदर उन लोगों को क्या मिलता है, बार्थोलोमियो मिलता है जिसके गर्दन में तीर घुसी हुई है, तीर लगी हुई है और उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो देखो आपको फिर से मैं बताती हूँ विजुअलाइज करवा के। जब सब लोग खजाना डिवाइड करने के लिए जाते हैं तो उस दौरान वो लोग को एक घर संभालने वाली डरी भी मिलती है। वो लोग को ये बताती है कि बार्थोलोमियो सुबह से दरवाजा बंद करके बैठा है, ठोक रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। ठीक है, तो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दरवाजा तोड़ देते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उनको बार्थोलोमियो की डेथ, मतलब वो डेथ हुआ पड़ा होता है और उसके गर्दन में क्या होता है, उसके गर्दन में तीर घुसी हुई होती है और उसकी डेथ हो जाती है और वहां पे भी उन लोगों को छिट्टे मिलती है, द साइन ऑफ फोर लिखा हुआ होता है। अब क्या होता है देखो, जब होम्स यानी कि शेरलॉक होम्स जब इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको क्या पता लगता है कि इस रूम में जिसने बार्थोलोमियो का मर्डर किया है उसका एक पैर लकड़े का है, ये बात तो पक्की है। और जो दूसरा इंसान इस रूम में, क्या बोलते हैं, बार्थोलोमियो का जिसने मर्डर किया है, इस रूम में दो लोग आए थे, एक इंसान का पैर तो लकड़े का नहीं है, कुछ अलग ही प्रकार का वो इंसान है। ऐसा क्या करता है शेरलॉक होम्स, अपना कंक्लूजन देता है पूरी की पूरी सिचुएशन को देखने के बाद। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे वो देख रहा है। अब क्या होता है देखो, ऑफकोर्स बार्थोलोमियो के पास खजाना था इसलिए तो सब लोग बार्थोलोमियो के पास जा रहे थे। तो लोग क्या बोलते हैं बार्थोलोमियो से, वो जो दो लोग ने मर्डर किए हैं, बार्थोलोमियो का खजाना लेके भाग गए, क्या कर दिए, खजाना लेके स्टोल कर लिए, भाग गए। यानी कि थेडियस का प्लान क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। वो अच्छा खासा मैरी मॉस्टन को आधा पैसा दे रहा था बट अब नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे पता लगाता है शेरलॉक होम्स को, कैसे पता लगता है कि एक इंसान का पैर वुडन का था, क्योंकि जब भी कोई जगह पे न्यू पेंट हम करते हैं तो वो जब गीला गीला होता है उस पे हम पैर रखते हैं तो हमारे पैर का निशान आ जाता है, राइट। तो क्या होता है, वो घर में एक एक पैर का ही निशान था, इधर पे आपको दिख रहा है एक एक पैर का ही निशान था। वो लोग जब आते हैं देखते हैं तो बोलते हैं तो एक एक पैर के निशान है, यानी इन इट मीन्स वो वही है जिसका एक पैर लकड़े का है। ठीक है, देखो, वन ऑफ द होम्स डिडक्शन रिवील्स दैट द वुडन लेग मैन हैज स्टैब्ड इन क्यूरियोसिटी ड्यूरिंग हिज एस्केप। ठीक है, वही जो मैंने बताई, पेंट जब गीला होता है उसमें उसका पैर लग जाता है और फिर उससे पूरा निशान पड़ जाता है, इससे वो कंक्लूजन देता है कि वो इंसान। फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, होम्स एंड वॉटसन बोरो अ डॉग फॉलो द सेंट। क्या होता है, अब जो केस है वो और कॉम्प्लिकेट हो गया। चुपचाप थेडियस बार्थोलोमियो के पास लेके जा रहा था क्योंकि बार्थोलोमियो के पास खजाना था। अब क्या हो गया, दो लोग आए बार्थोलोमियो का मर्डर करे और बार्थोलोमियो के पास जो खजाना था वो उठा के लेके चले गए, यानी केस अब और कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, अब वो इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसने बार्थोलोमियो का मर्डर किया है और खजाना किधर है। ठीक है, तो ये बात पता लगाने के लिए शेरलॉक होम्स और वॉटसन क्या करते हैं, एक डॉगी को लाते हैं जो क्या करेगा, सेंट से पता लगाएगा कि ये मर्डरर लोग किधर भागे हैं। ठीक है, तो ये जो डॉगी होता है उन लोग को किधर पे लेके जाता है, थेम्स नाम की रिवर पे लेके जाता है। डॉगी जो होता है वो किधर पे लेके जाता है, थेम्स नाम की रिवर के पास लेके जाता है और उन लोग को शक हो जाता है कि इस रूम से दो लोग जो भागे हैं वो इसी रिवर के पास आए हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक बार फिर से स्टोरी के थ्रू बताती हूँ क्या होता है, बार्थोलोमियो की डेथ हो गई। अब शेरलॉक होम्स उस रूम में, यहाँ पे बार्थोलोमियो की डेथ हो चुकी है, उस रूम में पूरा का पूरा ऐसा इन्वेस्टिगेशन करता है, हर एक चीज को छूता है करता है, तो उधर पे उसको पैरों के निशान दिखते हैं और उस पैरों के निशान से पता लगा लेता है कि यहाँ पे दो इंसान आए थे, एक इंसान तो ऐसा है जिसका एक पैर वुडन का है और दूसरा पैर, दूसरा इंसान वो है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस इतना आप लोग याद रख। हर एक चीज को देखो डिटेक्ट करता है, एक एक चीज उठा उठा के वो देखता है दूर मैग्नीफाइंग ग्लास से। उसके बाद वो एक डॉग को हायर करता है, उसको जो चीज उधर पे मिलती है वो चीज वो डॉग को स्मेल करवाता है और वो फिर डॉग क्या करता है, डॉग वो लोग को लेके जाता है
किधर पे लेके जाता है डॉग? एक थेम्स नाम की रिवर है, ये क्या है? रिवर। इधर पे डॉग शेरलॉक होम्स को लेकर आता है। ओके, अब क्या होता है, शेरलॉक होम को इतना पता चल चुका है कि जो लोग ने बार्थोलोमियो का मर्डर किए हैं और बार्थोलोमियो से खजाना चुरा के भागे हैं, वो लोग किधर पे आए हैं? थेम्स रिवर पे आए हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? थेम्स रिवर पे आए हैं, इसका मतलब क्या, इस रिवर में लोग ने एक नाव किए होंगे और इस नाव के थ्रू, इस बोट के थ्रू लोग कहीं जा रहे होंगे। तो अब वो लोग किस बोट में है इसका पता लगाना है। ठीक है, अब मिशन क्या है, अब शेरलॉक होम का ये मिशन है कि वो मर्डरर लोग कौन सी बोट में बैठे हुए हैं उसका पता लगाना है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे? तो क्या करता है शेरलॉक होम्स, जो बेकर स्ट्रीट थी जहां पे बैठा रहता था, उधर पे गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन जो होते हैं, गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन मतलब क्या, छोटे छोटे यंग बच्चे जो होते हैं 15-20 साल के, ठीक है, जो कि बहुत ना स्कूल जाते हैं, यहाँ वहाँ आवारगिरी करते रहते हैं, तो उन लोग को बुलाता है, 4-5 बच्चों को, और बोलता है कि तुम लोग को एक ऐसी ऐसी बोट है वो ढूंढना है इस रिवर पे। ठीक है, तो देखो क्या करता है, एक रूम में 4-5 बच्चों को बुलाता है, उन लोग को ये काम देता है कि तुमको क्या करना है, थेम्स रिवर पे बोट को ढूंढनी है। बट ये लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, क्या करते हैं, ये लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, देखो दिस एफर्ट फेल, वो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए जो शेरलॉक होम होता है वो खुद ही डिस्गाइज होके, यानी अपना भेष बदल के क्या करता है, बोट ढूंढने के लिए निकल जाता है, और उसको पता लग जाता है कि कौन सी बोट में वो लोग बैठे हुए हैं। उस बोट का नाम क्या है? अरोरा। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, शेरलॉक होम को ये पता लग चुका है कि जो मर्डरर है वो अरोरा नाम की बोट में बैठ के कहीं भाग रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो भेष बदल के दाढ़ी मूछ लगा के ये शेरलॉक होम्स गया था पता लगाने के लिए। ओके, और फिर उसको क्या पता लगता है कि मर्डरर लोग जो भागे हैं वो लोग अरोरा नाम की बोट में बैठे हुए हैं। इसलिए उस रात जिस दिन उन लोग को पता लगता है कि अरोरा नाम की बोट में वो लोग बैठे हुए हैं, वो दिन की रात में क्या करते हैं, शेरलॉक होम, डॉक्टर वॉटसन और लोग के साथ और भी दूसरे पुलिस ऑफिसर्स लोग अरोरा बोट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो रात हो गई है, दिख रहा है आप लोगों को, समझ रही है स्टोरी? एक बार हाँ या ना बताओ, फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। इज एवरीथिंग क्लियर एवरीवन? बताओ, स्टोरी समझ रही है अच्छे से? पिक्चर के थ्रू और आपको मजा आ रहा होगा। वो मेरे घर पर आए थे बोट लेके। यू, आपके घर पे पानी है बहुत सारा? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये कौन था वो कौन था। कोई बात नहीं, फिर से आप लोग इसको रिपीट कर लोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब क्या हो गया है, देखो शेरलॉक होम को ये पता लग चुका है कि बार्थोलोमियो का जिसने मर्डर किया था वो थेम्स नाम की रिवर में है। अब थेम्स नाम की नदी में वो कौन सी बोट लेके गया था ये पता उसने लगा लिया, वो कौन सी बोट में है, अरोरा नाम की बोट में है। तो लोग क्या करते हैं, रात में निकलते हैं, कौन है, देखो शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन और दूसरे कुछ ऑफिसर्स है, वो रात में निकलते हैं अरोरा बोट को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसी बोट में मर्डरर लोग बैठ के भाग रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोग देख रहे हैं दूरबीन से अरोरा बोट को कि मिल जाए, क्योंकि उसी बोट में मर्डरर लोग बैठे हुए। अब क्या होता है, देखो वो लोग को अरोरा बोट मिल जाती है, नजर पड़ जाती है, और उस बोट के अंदर कितने लोग हैं, एक है वुडन लेग कैप्टन, एक वो इंसान जिसका एक पैर लकड़े का है, और दूसरा इंसान एंड अ स्मॉल पिगमी नेटिव, और दूसरा कौन है, पिगमी मैंने मतलब क्या बताई थी, एक आदिवासी टाइप इंसान जो हाइट में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये दो इंसान उस अरोरा बोट में उन लोग को देखने को मिलते हैं, दूरबीन से पता लगा लेता है। द नेटिव अटेम्प्ट्स टू शूट होम्स, ये नेटिव कौन है, वही आदिवासी, क्या करता है, शेरलॉक होम्स को ब्लो पाइप से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही शेरलॉक होम्स और वॉटसन उसको गोली मार देते हैं, एंड इज कॉन्सिक्वेंटली शॉट बाय होम्स एंड वॉटसन। चलो यार फिर से बताती हूँ, देखो जब शेरलॉक होम्स दूरबीन से यहां वहां देख रहा था,
तब उसकी नजर अरोरा बोट में पड़ जाती है। अरोरा बोट के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, एक पैर, एक इंसान का पैर लकड़े का है और दूसरा इंसान एक बहुत ही क्या है, आदिवासी टाइप है। जैसे ही वो लोग उसके नजदीक जाते हैं, जो ये आदिवासी होता है वो ब्लो पाइप लेके क्या करता है, ब्लो पाइप बहुत एकदम तीर होती है ना, तीर से शेरलॉक होम को मारने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कौन है, इसका नाम कौन बताएगा? हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पिगमी, टोंगा, इसका नाम क्या है, टोंगा। ठीक है, तो टोंगा जो होता है वो शेरलॉक होम को ब्लो पाइप से मारने की कोशिश करता है, बट उसका निशाना जो है वो चुक जाता है, उसका निशाना चुक जाता है और बोट के कोई दूसरे एरिया में लग जाता है उसके मारने से पहले। अब क्या हो गया, मैंने बताया, जैसे शेरलॉक होम अपनी रिवॉल्वर निकालता है, गन निकालता है और टोंगा पे चला देता है, टोंगा पे गोली तो लग गई। अब वो ऐसा बौखला गया थोड़ा सा और उसका पैर जो है एक रस्सी में पड़ गया, ये टोंगा का पैर है, रस्सी में पड़ गया। और टोंगा जो है, ये देखो अरोरा बोट इधर पे दिख रही है आपको लिखी हुई, अरोरा बोट, तो ये अरोरा बोट से गिर जाता है बेचारा टोंगा और पानी में डूब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोंगा शेरलॉक होम को तीर से मारने जा रहा था, निशाना चूक गया, शेरलॉक होम ने इसको गोली मार दिया, बौखला के ये गिर गया, इसके पैर में क्या बना हुआ था, रस्सी बनी हुई थी, इसलिए ये डूब के इसकी डेथ हो गई। तो टोंगा की इधर पे डेथ हो चुकी है पानी में गिर के, ये चीज आपको याद रखनी है। इस पे गोली कौन चलाया है, शेरलॉक होम और डॉक्टर वॉटसन ने। अब क्या है बताओ, अब एक इंसान इसके अंदर बचा है, इस बोट के अंदर, टोंगा तो गया, अरोरा के अंदर अब कौन बचा है? द अरोरा रन्स द ग्राउंड एंड द वुडन लेग मैन। अब इस अरोरा के अंदर कौन बचा है, वुडन लेग मैन। क्या होता है ये भी, जो लोग की नाव होती है अरोरा, नाम याद रखना, अरोरा इज अ बोट। ठीक है, क्या होती है, मट्टी में ऐसा ढस जाती है और फिर उसके अंदर जो इंसान होता है जिसका एक पैर लकड़े का है वो भी भागने की कोशिश करता है। देखो ये इसका एक पैर, देखो इधर पे लकड़े का है वुडन, ये भी भागने की कोशिश करता है, बट इसका ये जो एक पैर है, ठीक है, ये एक पैर क्या होता है, मड में फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। वहां पे ये क्या हो जाता है, एंट्रेप्ट हो जाता है, यानी कि फंस जाता है। ये कौन है जिसका एक पैर वुड का है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जॉनथन स्मॉल। इस इंसान का नाम क्या है, जॉनथन स्मॉल। इसके पास क्या है, इसके पास खजाना है। कहां से चुराया, बार्थलोमियो से चुराया। ठीक है, अब तो ये पकड़ा जा चुका है, तो यहाँ पे सारे के सारे लोग, डॉक्टर वॉटसन, ये सारे लोग क्या करते हैं, इसको देख रहे होते हैं, बिकॉज बेचारा पकड़ा गया। उसको लाते हैं बोट में, इसको देखो हथकड़ी पहना दिए, जॉनथन स्मॉल हथकड़ी पहन के खड़ा है, ये शेरलॉक होम्स है, ये दो पुलिस ऑफिसर है और ये डॉक्टर वॉटसन है, और भी यहाँ पे नीचे खजाना रखा हुआ है जो ये जनाब चुरा के भाग रहे थे। इसको पकड़ते हैं और दूसरे दिन क्या करते हैं, बेकर स्ट्रीट में लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी अब होने वाली है कार्रवाई कि भाई क्यों भाग रहे हो, क्यों चुराए, किसका मर्डर किए, कब किए, सब बताएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया है, जॉनथन स्मॉल को लोग ने क्या करे, बेकर स्ट्रीट में लेकर आए। इसके साथ क्या था, आयरन बॉक्स था, वही यानी ट्रेजर, खजाना था। ठीक है, अब इससे सब उगलवाए गए, स्मॉल से सब उगलवाए गए और जॉनथन स्मॉल स्टोरी बोलना स्टार्ट करता है। देखो यस, इन्वेस्टिगेशन होगा, बस खत्म हो गई स्टोरी, लास्ट 5 to 10 मिनट्स एंडिंग आ रहा है, सुन लो जॉनथन स्मॉल अब क्या क्या रिवील करेगा। अब मेजर रिवील तो इधर पे होने वाला है। देखो अब ये सारे लोग क्या हो चुके हैं, ये सारे लोग बेकर स्ट्रीट में आ चुके हैं, यहाँ पे देख लो जॉनथन स्मॉल को बिठाए, इसके हाथों में हथकड़ी है। अब इससे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जाएंगे और ये सच्चाई इसको उगलनी पड़ेगी। ठीक है, तो जॉनथन स्मॉल क्या बोलता है, जॉनथन स्मॉल जिसका एक पैर लकड़े का, क्या बोलता है, देखो, ही बिगेन
शुरुआत करता है, क्या बोलता है, ही वॉज स्टेशन एज अ फोर्ट्रेस गेट कीपर इन इंडिया. क्या बोलता है कि मैं इंडिया का एक कैस्टल, एक किला का गेट कीपर था. ठीक है, वहां पे मुझे 3 अरब गार्ड्स मिले जिन्होंने मुझे ये बोले. देखो फिर से सुनो, जोनाथन स्मॉल क्या बोलता है कि मैं इंडिया के, इंडिया में एक किला था, वहां का एक वॉचमैन समझ लो यार, वहां का वॉचमैन था. ठीक है, जब वहां पे मैं काम कर रहा था, ऐसा देखो इंडिया में एक आगरा जगह है, सबको पता है, तो ये आगरा है. ठीक है, आगरा में क्या था, ये कौन है, जॉनसन स्मॉल, इसका एक पैर देख लो, क्या था, ये गाइड था, रखवाला, कि इस किला में कोई हमला ना करे. ठीक है, उतने में क्या होता है, कुछ अरब्स लोग जॉनथन स्मॉल के पास आते हैं, उसका कॉलर पकड़ते हैं और उसको कुछ बोलते हैं थ्रेट के साथ. ठीक है, जॉनथन स्मॉल को अरब लोग कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो अरब्स लोग जॉनथन स्मॉल को ये बोलते हैं कि ही ऑफर्ड अ शेयर इन अ ग्रेट फॉर्च्यून इफ ही वुड हेल्प देम मर्डर द मैन हु कैरीड इट. व्हेन द मैन एन इमिजरी फ्रॉम अ वेल्दी शेक अराइव्ड द 3 अरब मर्डर द मैन ए स्मॉल ब्लॉक. अरब लोग उसको क्या बोलते हैं कि आज इस जगह पे एक राजा अपने नौकर को एक खजाने के साथ भेजने वाला है. ये बात हमको कहीं से पता चली है, उड़ती उड़ती खबर है. ठीक है, और जो राजा के थ्रू जो इंसान आने वाला है वो मेरा ही दोस्त, मतलब मेरा दोस्त उसको लेके आने वाला है. देखो एक राजा है, ठीक है, राजा अपना एक खजाना इस जगह पे पहुंचाने वाला है एक इंसान के थ्रू, और उस इंसान को इस जगह पे मेरा एक दोस्त लेके आने वाला है, और ये दोस्त कौन है, इस दोस्त का नाम है अकबर. ये अकबर ने मुझे खबर दी है कि जो इंसान आने वाला है उसके हाथों में बहुत सारा खजाना है, तो तुझे क्या करना है, तुझे इस इंसान को मारना है, इस इंसान का मर्डर करना है. अगर इसने, अगर तूने इस इंसान का मर्डर नहीं किया तो हम तेरा मर्डर कर दे. ठीक है, समझ में आई इतनी बात, नहीं समझ में आई फिर से बता. मुझे पता है थोड़ा सा को कंफ्यूजन हुआ होगा. देखो जॉनथन स्मॉल क्या है, गाइड बनके एक कैस्टल में अपना काम कर रहा होता है, कैस्टल में. उतने में 2 अरब्स उसके पास आते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि हमको एक उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आज एक राजा अपने नौकर के थ्रू इस जगह में खजाना पहुंचाने वाला है, तो जो नौकर है उसको हम, उसका हमको मर्डर करना है, और उसके हाथों में जो खजाना होगा वो हम चुरा लेंगे. ठीक है, उस नौकर को इस जगह में मेरा एक दोस्त है, वो भी अरब है, और उसका नाम क्या है, अकबर, वो लेके आएगा. ठीक है, तो अकबर जैसे ही उस इंसान को इधर पे लेके आएगा, हम उसका मर्डर कर देंगे और उसके हाथों में जो इधर पे खजाना है उसको चुरा लेंगे. अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होगा, जो खजाना था, जो ट्रेजर था, वो हम चारों एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे. कौन चार, 3 अरब हो गए ना, 2 अरब तो उससे उसको धमका के ये काम करवा रहे हैं, तीसरा अरब कौन है, तीसरा अरब है अकबर, और चौथा कौन रहेगा, जॉनथन स्मॉल. ठीक है, सुन लो, तो ये जो खजाना होगा ये कितनों में डिवाइड होगा, अगर उस राजा के नौकर को हम मार लेंगे और उस नौकर का खजाना चुरा लेंगे तो 4 लोगों में डिवाइड होगा. 2 लोग जो धमका रहे हैं जॉनथन स्मॉल को, तीसरा होगा अकबर जो उस नौकर को लेके आ रहा है, और चौथा होगा जॉनथन स्मॉल.
तो स्टार्टिंग में जब ये खजाना इधर पे आया तब मेहनत किन लोग की लगी है? ये चारों की लगी है, 3 अरब है और एक जोनाथन स्मॉल है, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है, ये 4 लोग का इसमें हिस्सेदारी होने वाली है, ठीक है? ऐसा धमका के लोग इसको बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो जैसे ही वो इंसान आता है, इमिजरी, इमिजरी कौन? वही सर्वेंट, राजा का नौकर, जब वो सामान लेके इधर पे आता है तो लोग क्या करते हैं, वो 3ों लोग उसका मर्डर कर लेते हैं, ठीक है, और खजाना चुरा के भाग जाते हैं। एंड ऑल 4 ऑफ देम क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं खजाना लेके। आप लोग समझ गए हो कौन 4 है, 3 अरब और एक जोनाथन स्मॉल। लेकिन एंड में क्या होता है, द 4 कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर कौन? वही ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ इलीगल काम करते हैं। तो लोग ने इलीगल काम ही करे ना, कि एक राजा का खजाना चुरा के भाग गए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये 4ों को गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पता लग जाता है कि लोग ने किसी का मर्डर किए थे, ठीक है, एमिसरी का मर्डर किए थे। तो अब क्या होता है, देखो 4ों को अरेस्ट कर लिया गया, ये क्या हो रहा है, ये सारी बात जो है जोनाथन स्मॉल रिवील कर रहा है शेरलॉक होम्स को, ठीक है? इतनी बात उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि 2 अरब लोग आए, मुझे फोर्स किए कि तुझे इसका मर्डर करना है, अगर तू इसका मर्डर करेगा तो हमको खजाना मिलेगा, खजाना मिलेगा तो हम 4ों लोग एक दूसरे में डिवाइड करेंगे। लेकिन हम उसका मर्डर करते हैं, खजाना लेके भाग गए होते हैं, बट हमको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद क्या होता है, देखो पुलिस पकड़ ली, अब मुझे स्मॉल कौन है, जोनाथन स्मॉल को पैनल कॉलोनी जो किधर है, अंदामन आइलैंड में भेज दिया जाता है। और उस अंदामन आइलैंड में, आपको पता है अंदामन आइलैंड में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, तो उधर पे ही उसको मिलता है टोंगा, ठीक है? उधर पे ही उसको मिलता है कौन, उसका दोस्त, उसका लॉयल कंपेनियन टोंगा। वहां पे फ्रेंडशिप लोग की उधर पे होती है। अब उस अंदामन में 2 लोग होते हैं, उस अंदामन आइलैंड में जो जेल होती है, उसी जेल में तो इसको डाला गया है, किसको, जोनाथन स्मॉल को। उस जेल के प्रिजनर गार्ड यानी जेल के वॉचमैन 2 लोग होते हैं। कौन है 2 लोग? पहला है शॉल्टो और दूसरा है मॉर्स्टन। ये शॉल्टो वही है थेडियस और बार्थोलोमियो के डैडी, और ये मॉर्स्टन वही है जो 10 साल से गायब है, यानी मैरी मॉर्स्टन के डैडी। समझ में आया कि कंफ्यूज हो गए? चलो फिर से डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। देखो जब वो 4ों लोग, कौन 4ों लोग, 3 अरब्स प्लस जोनाथन स्मॉल क्या करते हैं, मर्डर करते हैं और खजाना लेके एस्केप हो जाते हैं, ट्रेजर लेके गायब हो जाते हैं, तो कुछ टाइम बाद 4ों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? अब 4ों को अरेस्ट कर ली है और जोनाथन स्मॉल को किधर, कौन सी जेल में डाल दिए, अंदामन आइलैंड में एक जेल है, उस जेल का नाम क्या है, पैनल कॉलोनी ना, पैनल कॉलोनी, इस जेल में डालते हैं, ठीक है? तो अभी जोनाथन स्मॉल किधर पे बैठा हुआ है, अंदामन आइलैंड की पैनल कॉलोनी के जेल में बैठा हुआ है। उस जेल के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, 2 होते हैं, पैनल कॉलोनी के 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो चोर लोग भागे नहीं बाहर खड़े होते हैं जेल के, एक होता है शॉल्टो और दूसरा होता है मॉर्स्टन, ठीक है? तो ये स्मॉल क्या करता है, स्मॉल को तो ये जेल से भागना है कैसे भी करके, वो क्यों जेल में रहेगा, क्यों? बिकॉज इसका खजाना तो कहीं और है, इसको कहीं और ट्रांसफर कर लिए, इसका खजाना 3 अरब के पास है और इसको पता है कि मेरा हक उसमें है, मुझे बोला गया था कि जब आप खजाना चुराओगे तो हम 4ों लोग डिवाइड करेंगे, और मुझे अकेले को इन लोग ने अंदामन में शिफ्ट कर दिया, तो इसको कैसे भी करके इस अंदामन की जेल से भागना होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस अंदामन के जो गार्ड्स है शॉल्टो और मॉर्स्टन को कैसे भी करके पैसा खिलवा के उन लोग को अपने अंडर में लेके यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, देखो ये जो है जोनाथन स्मॉल शॉल्टो और मॉर्स्टन को बहुत पैसा खिलवाता है, ब्राइब करता है और बोलता है कि मुझे तुम इधर से कैसे भी करके निकालो, मैं तुमको बहुत सारे पैसा दूंगा और मेरे पास एक खजाना है, वो खजाने में तुमको हिस्सेदार बनाऊंगा, ठीक है?
अब क्या होता है देखो, ये देखो वो ये टोंगा किससे फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। द टू एग्रीड, दोनों रेडी हो जाते हैं, शॉल्टो और मॉर्स्टन रेडी हो जाते हैं कि ओके ठीक है हम आपको इस जेल से भगवाएंगे, ठीक है? तो क्या होता है, जोनाथन स्मॉल शॉल्टो को क्या बोलता है कि मेरा खजाना इस एरिया में है। शॉल्टो रिवील करता है, सॉरी, जोनाथन स्मॉल शॉल्टो को रिवील करता है, बताता है कि मेरा खजाना इस एरिया में है, तुम जाओ, मैं तो नहीं भाग सकता, तो फिलहाल के लिए तुम जाओ वो खजाना इधर पे लेके आओ, फिर मैं वो खजाना लेके इधर से भागूंगा, ठीक है? तो शॉल्टो जो होता है उसको अब जगह पता चल चुकी है कि ट्रेजर किधर पे रखा हुआ है। तो शॉल्टो जो होता है खजाना लेने के लिए, ट्रेजर लेने के लिए निकल पड़ता है, निकल पड़ता है निकल पड़ता है, लेकिन रिटर्न ही नहीं आता भाई। ऐसा भागा है बंदा कि रिटर्न ही नहीं आया। इसका मतलब शॉल्टो क्या करता है, ट्रेजर लेके रफू चक्कर गायब हो जाता है, और जोनाथन स्मॉल के पास रिटर्न आता ही नहीं है। जोनाथन स्मॉल एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, कितना दिन वेट करेगा? उसको समझ में आ जाता है मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, मैंने इसको खजाने की जगह बता के बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये मेरा खजाना लेके भाग गया, अब ये रिटर्न नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शॉल्टो कर लेता है जोनाथन स्मॉल का खजाना चोरी, ठीक है? देखो, द टू एग्रीड, द शॉल्टो लेफ्ट, शॉल्टो जो होता है जाता है क्या करने के लिए, ट्रेजर को लेके आने के लिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद शॉल्टो जब रिटर्न नहीं आता तो स्मॉल को भनक पड़ जाती है कि शॉल्टो ने उसको धोखा दिया है और शॉल्टो ने मेरा खजाना लेके भाग गया। इसलिए क्या करता है जोनाथन स्मॉल भी, कैसे भी करके उस आइलैंड से, कौन से आइलैंड से, अंडमान आइलैंड से भागता है, किसको लेके, टोंगा को लेके। टोंगा को लेके जोनाथन स्मॉल भागेगा क्योंकि शॉल्टो को फुकट का ट्रेजर क्यों देगा भाई, मर्डर करा था उसने उसका। तो ये देखो यहाँ पे जोनाथन स्मॉल कैसे भी करके इस अंडमान आइलैंड की जेल से भागता है, एस्केप करता है, किसको लेके, टोंगा को लेके। अब क्या होता है, बहुत सालों बाद, बताओ क्या करेगा ये कौन है, जोनाथन स्मॉल, ये किसके पीछे भागेगा, जिसके पास खजाना है। खजाना किसके पास है, खजाना शॉल्टो के पास है। तो बहुत सालों तक जोनाथन स्मॉल ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, किसको, शॉल्टो को, ठीक है? तो देखो, आफ्टर मैनी ईयर्स जोनाथन स्मॉल ट्रैक डाउन शॉल्टो, बहुत सालों बाद शॉल्टो को फाइनली जोनाथन स्मॉल पकड़ लेता है। और वो वाला सीन आपको याद है, जैसे ही शॉल्टो खिड़की में एक इंसान को देखता है, शॉल्टो को हार्ट अटैक आ जाता है, याद है वो वाला सीन, थेडियस के डैडी तो शॉल्टो है यार, पीछे आते रुको, ये वाला सीन। हम सब सोच रहे थे ना कि थेडियस के जो डैडी है शॉल्टो, इनको हार्ट अटैक एक इंसान को देख के क्यों आया, ये वाला सीन देखो, ये वो ही बता रहा है। ये कौन है, ये है शॉल्टो, इनके पास खजाना था, ये अपने बेटे को बताने जा रहे थे कि मेरे पास एक खजाना है, है ना, शॉल्टो के पास तो था। उतने में उनको खिड़की में एक इंसान दिखता है, इस इंसान को देख के ये शॉल्टो की हालत खराब और इनकी डेथ हो जाती है। तो बताओ ये इंसान कौन है, हु इज दिस पर्सन, जिसको देख के शॉल्टो की हवा टाइट हो गई और उसकी डेथ हो गई, बताओ कौन है ये, जल्दी, हु इज दिस पर्सन, जिसको देख के शॉल्टो की हवा टाइट हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई। जोनाथन स्मॉल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? तो जोनाथन स्मॉल ये सारी बातें रिवील कर रहा है कि शॉल्टो ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसको बोला कि खजाना उधर रखा है, वो लेके आ, और वो लेने तो गया लेकिन कभी रिटर्न नहीं आया। बहुत सालों तक मैंने उसको ढूंढा, एक दिन मुझे फाइनली वो मिल गया, उसके घर के बाहर की विंडो में जब उसके पास में गया तो मुझे देख के उसकी डेथ हो गई, ठीक है? ये बात देखो, अब वो रिवील किया, और क्या रिवील किया बताते,
इतना सब कुछ ये जोनाथन स्मॉल रिवील कर रहा है, और क्या रिवील करता है, और मैं ही वो इंसान था जिसने शॉल्टो के ऊपर जो एक चिट्ठी थी, हमने देखे थे ना शॉल्टो के ऊपर एक चिट्ठी लगाई गई थी, उस चिट्ठी में लिखा था द साइन ऑफ फोर, वो मैंने ही लगाया था, वो मैंने ही लगाया था। क्यों, वो चार लोग कौन है, मैं ये सब, मैं सबको ये बता रहा था कि उस खजाने में सिर्फ और सिर्फ चार लोग का हक है, बाकी जो लोग है वो लोग ने धोखा दिए है हमको। कौन है चार लोग, कौन है वो चार लोग, द साइन ऑफ फोर, पहला है जोनाथन स्मॉल लकड़े के पैर वाला, और तीन अरब, स्टार्ट तो यहीं से हुआ था ना, बाकी सब तो धोखा दे के भाग रहे। तो बोलता है कि मैं ही था जिसने क्या किया, उस बॉडी के ऊपर वो नोट को लगाया था, थ्री अरब्स एंड स्मॉल। तो आपकी जो टाइटल है द साइन ऑफ फोर, उसमें चार लोग कौन है, स्मॉल और तीन अरब, वो तीन अरब में से सिर्फ एक का नाम बताया है, तीन अरब में से एक का नाम क्या है, अकबर, ठीक है, एज अ रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड हिज थ्री अरब्स, ठीक है, हिमसेल्फ जोनाथन स्मॉल एंड हिज थ्री कंपेनियंस अरब्स। अब क्या होता है देखो, व्हेन ही रिटर्न टू द शॉल्टो एस्टेट, टोंगा मर्डर्ड बार्थोलोमियो एंड द टू स्टोल द ट्रेजर, वो रिवील कर लेता है कि अब मुझे पता चल चुका होता है कि शॉल्टो किधर रहता है, तो मैं जाता हूँ उसके घर फिर से, वहां पे बार्थोलोमियो का मर्डर टोंगा करता है वही तीर से, और हम खजाना लेके भाग जाते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है देखो, कौन है ये, जोनाथन स्मॉल, ये सारी बातों का खुलासा कर रहा है, बार्थोलोमियो का मर्डर टोंगा ने किया और हमने उससे खजाना लेके भाग गए, क्योंकि उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, शॉल्टो ने हमको धोखा दिया था, ठीक है। अब क्या बोलता है, स्मॉल कंक्लूड्स हिज नैरेटिव बाय रिवीलिंग दैट इन द कोर्स ऑफ द चेस ऑन द थेम्स ही थ्रू द ट्रेजर्स ओवर बोर्ड। ओ भाई साहब, स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन एंड वॉटसन, यहाँ पे देखो, जब वो लोग उससे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है तूने ये सारी बात हमको बता दिया, अब खजाना हमारे हवाले कर दे, तो वो बोलता है कि वो सारा खजाना मैंने थेम्स रिवर में बहा दिया। सब बोलते पागल है क्या, क्यों बहाया भाई, पागल है। तो बोलता है ये खजाना अगर मेरा नहीं और मेरे तीन अरब दोस्त का नहीं तो किसी का नहीं, इसलिए वो खजाना जो है मैंने क्या कर दिया, स्मॉल क्या कंक्लूड करता है, ही कंक्लूड एंड रिवील दैट इन द कोर्स ऑन द चेस ही थ्रू थेम्स रिवर में ट्रेजर को फेंक दिया, खाली कर दिया। सब बोलते हैं अरे यार खजाना तो मिल जाता कम से कम, वो भी इसने बहा दिया। तो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है खत्म, और फिर जोनाथन स्मॉल को जेल में लेके जाया जाता है, डॉक्टर वॉटसन और मैरी जो होते हैं उन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है, बस लास्ट में इतना, और ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर थे, इसलिए समझना कभी कभी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट हाँ स्टोरी तो मजेदार है, इसको आप ऐसा डायग्राम की तरह पढ़ोगे तो एकदम ईजी है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आप हम देखते हैं कि कितने लोगों का मर्डर हुआ और किसने किसको मारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैरी के जो डैडी थे उनकी डेथ कैसे हुई, क्या उनको किसी, क्या उनका मर्डर हुआ या उनका कोई डिजीज से डेथ हुई। मैरी के फादर की डेथ कैसे हुई मुझे ये बताओ, शॉल्टो जो थे उनकी डेथ कैसे हुई, बार्थोलोमियो टोंगा, ये चार लोग की जाने गई है इस केस में, ये चार लोगों की जाने गई है इस केस में। यस एब्सोल्युटली करेक्ट तनुजा, तो मैरी के जो फादर थे आर्थर मॉर्स्टन, उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, किसी ने उनका मर्डर नहीं किया है, ये चीज याद रखना, ठीक है। शॉल्टो की डेथ कैसे हुई, शॉल्टो की
यस, शॉल्टो की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई है, ये चीज याद रखना। इनका भी मर्डर किसी ने नहीं किया है, डर गए थे जोनाथन स्मॉल को देखकर। बार्थलोमियो की डेथ कैसे हुई, किसने किया, हाउ डिड बार्थोलोमियो डाय, बार्थोलोमियो डाय थ्रू पॉइजन थ्रोन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड किसने ये पॉइजन थ्रोन उसके गले में डाला, बार्थोलोमियो के गले में, नेक में पॉइजन थ्रोन से उसकी डेथ हुई। और ये पॉइजन थ्रोन किसने डाला, टोंगा। क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, जागरूकती, टोंगा ने, यानी बार्थोलोमियो का मर्डर किया है टोंगा ने। और टोंगा को किसने मारा, हु किल टोंगा, हु किल टोंगा, मर्डर ऑफ बार्थोलोमियो। नहीं, जोनाथन स्मॉल कैसे हो गया, बिल्कुल नहीं, टोंगा ने बार्थोलोमियो को मारा है, जोनाथन स्मॉल ने नहीं मारा, ठीक है। यस, तो टोंगा को किसने किल किया है, गन से, गोली से, रिवॉल्वर से, दो लोग ने मिलके। पहला है डॉक्टर वॉटसन और दूसरा है शेरलॉक होम्स। तो इतना क्लियर रखना कि किसने किसको मारा, उल्टा सीधा मत कर देना, किसी और का इल्जाम किसी और पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो इतना याद रखना किसने किसको मारा। तो आई होप इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अभी बाकी का जो मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता दी, जितना पॉसिबल हुआ वहां पे मैंने इमेजेस लगा के आपको स्टोरी को विजुअलाइज कराने की कोशिश करी, बिकॉज मजा तो तभी आता है ना जब चीजें सीन हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो, विजुअलाइज कर पाए, फिर रीड करते तो भूल जाते। मैं सोचू नॉवल नंबर 3 को भी ऐसे ही करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो हमारी नॉवल नंबर 4 फिनिश हो चुकी है और अभी हम करने जा रहे हैं हार्ड वर्ड, फिर आपसे क्वेश्चन बैंक, और फिर 3 सवाल आपसे पूछूंगी। जो 3 सवाल का आंसर दे दिया मतलब उसको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है। तो जल्दी से इस हार्ड वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकेंड्स में, जल्दी जल्दी, पीछे हट जाती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, ठीक है। ये था, अब देखते हैं इस नॉवेल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेट अस बिगिन। देखो, द रिसेप्शन ऑफ 6 पर्ल्स हेल्प्स द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड बाय प्रोवाइडिंग सम कनेक्शन विद द अदर हैपनिंग। जो 6 मतलब जो भी पर्ल्स मैरी मॉर्स्टन को मिल रहे थे वहीं से स्टोरी की शुरुआत हुई, तो उसको आपको एलोबरेट करना है। तो आप सीन बताओगे कि कैसे मैरी मॉर्स्टन जोनाथन सॉरी शेरलॉक होम्स के पास आई, वो लोग किसके पास गए, थैडियस के पास गए, थैडियस ने सब कुछ रिवील किया कि मैरी मॉर्स्टन को खजाना देना है, लोग खजाना लेने बार्थोलोमियो के पास जाते हैं, तो बार्थोलोमियो की मर्डर हो जाती है टोंगा के थ्रू। तो यहाँ पे जो स्टोरी की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं पॉल से ही हुई है, अगर मैरी मॉर्स्टन नहीं आती तो कुछ नहीं होता। तो आपको पूरा एलोबरेट करना, ठीक है। ये सेकेंड वाला तो पर्सनल रिस्पॉन्स है। थर्ड वाला, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ शेरलॉक होम्स। तो शेरलॉक होम्स का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैरेक्टर स्केच बताई थी वही चीज आपको इधर पे लिखनी है, ठीक है। डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स का थॉट प्रोसेस बताना है कि लोग कैसे केस को सॉल्व कर रहे थे। तो आपको वो वाली चीजें डालनी है कि कैसे जब बार्थोलोमियो की डेथ हुई तो घर में दो लोग आए थे, एक का पैर लकड़े का है, उसने कैसे पता लगाया, वो सब आपको वो वाला सीन इधर पे लिखना है, ठीक है। नैरेट द केस ऑफ मिस मॉर्स्टन इन योर वर्ड। तो ये जो पूरा का पूरा केस हुआ मिस मॉर्स्टन का, उसके डैडी गायब थे 10 साल से, पर्ल्स उसको मिल रहे थे, वो आपको पूरा का पूरा लिखना है इधर, ठीक है। बाकी सारी चीजें भी एक बार रीड कर लेना, उसको लिखना। अब इसके अलावा जो आपका प्लॉट थीम जो भी है वो उसको आप रीड कर लो, सेम स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। इधर पे मैंने आपको सिर्फ आउटलाइन पढ़ाई हूँ बिकॉज उसमें पूरा का पूरा स्टोरी लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देख लो यार, डॉक्टर वॉटसन का कैरेक्टर स्केच लिखने को बोल रहा है ना। पेपर फाउंड इन द डेस्क ऑफ कैप्टन मॉर्स्टन इन द सेंटर ऑफ एक्शन।
कितने मार्क्स? ऐसा वो इतने साल से चुप क्यों बैठी थी? ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ अभी मिल जाएंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस ये सब वो सब, लेकिन जब केस जब हद से पार हो जाता है कि मिल ही नहीं रहे, फिर हम डिटेक्टिव के पास जाते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिस्ट्री है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता लगाना बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है हमारे लिए, तो उस वक्त वहां पे जरूरत पड़ती है डिटेक्टिव की। ठीक है, तो उसको इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि उससे खुद से सॉल्व नहीं हुआ, तो फाइनली वो 10 साल बाद शेरलॉक होम्स के पास गई। सो लेट अस बिगिन विथ नॉलेज चेकिंग टाइम। 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएंगे। आर यू ऑल रेडी? कमेंट में जल्दी जल्दी हाँ बोल दो, फिर आपसे मैं 3 सवाल पूछूंगी इस नॉवेल से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू। क्या बात है, तनुजा फुल फॉर्म में चल रही है। हाँ समझ गया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एमसीक्यू एमसीक्यू मिस मेजर रोल किसना किसने प्ले किया है? मेजर रोल तो शेरलॉक होम्स है, जोनाथन स्मॉल है, और थेडियस और डॉक्टर वॉटसन भी है। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आते हुए। साइन ऑफ फोर इंडिकेट्स हुम? साइन ऑफ फोर के अंदर वो 4 लोग कौन है? आपके स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए। बार्थोलोमियो, जोनाथन स्मॉल, थेडियस, शेरलॉक होम्स, या मैरी टॉबी टोंगा स्मॉल, या मेजर शॉल्टो और 3 अरब, या जोनाथन स्मॉल और 3 अरब। कौन बताएगा? हु इज 4 पीपल इन दिस साइन ऑफ फोर? क्या बात है, प्रितेश, काशिफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुमैया रॉन्ग आंसर दे दिए हो, मेजर शॉल्टो एंड 3 अरब्स नहीं है इसका आंसर। तो सबसे फास्ट आंसर इधर पे प्राचीति ने दी थी, जो कि है अपना ये ए कैसे हो गया भाई, ABCD है ये। जोनाथन स्मॉल एंड 3 अरब्स आर द 4 पीपल जो साइन ऑफ फोर के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना जोनाथन स्मॉल और 3 अरब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। द मैन हु सेंड्स द एनोनिमस लेटर्स एंड पर्ल्स टू मैरी मॉर्स्टन, वो इंसान कौन था जो मैरी मॉर्स्टन को पर्ल और लेटर भेजता था? क्या वो बार्थोलोमियो था, क्या वो जोनाथन स्मॉल था, क्या वो थेडियस था, या क्या वो शेरलॉक होम्स था? कौन था वो इंसान जो मैरी मॉर्स्टन को पर्ल्स भेजता था, बताओ जल्दी। पर्ल्स और लेटर्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई तो गलत आंसर दे रहा है इधर पे, बी कौन बोल रहा है? आस्था, जॉनथन स्मॉल भेजता था पर्ल्स। अच्छा जी, तो जो भी आंसर, जो भी बच्चों ने इधर पे सी आंसर दिए है, कौन दिया सबसे फास्ट आंसर? विवेक, विवेक स्वामी का इधर पे सबसे फास्ट आंसर आया है, क्या बात है। तो थेडियस था जो मैरी मॉर्स्टन को पर्ल्स भेजता था, और वो इंडिकेट करता था कि तुम एक खजाने की हिस्सेदार हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मैचअप है सिंपल सा मैचअप है, आपको बताना है थेम्स क्या था, अरोरा क्या था, टोंगा क्या था, टोबी कौन था, उस हिसाब से आपको मैचअप करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। BCAD है, CDBA, ऐसा ऑप्शन नंबर ABCD, बताओ। मैचअप करो ऐसा मैचअप, और फिर लाइन से आंसर बता दो। सेशन का आखिरी पड़ाव, लास्ट क्वेश्चन।
बी सी डी ए, क्या बात है। वैशाली खरात, एब्सोल्युटली करेक्ट। बी सी बीबीडीए, सदफ सैयद, बीबीडीए बोल दिया तुमने। सी आंसर नहीं है, चैतू, चैतू सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। राजेंद्र, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो जो भी बच्चों ने इसका आंसर बी दिए है, मतलब वो बोल रहे हैं इसका आंसर क्या है, बी सी डी है, यानी पहले बी पे टिक होगा, फिर सी, फिर डी और फिर ए, तो यस एब्सोल्युटली करेक्ट। थेम्स क्या था, थेम्स एक रिवर का नाम था, अरोरा एक बोट का नाम था, टोंगा एक पिग्मी था और टॉबी एक डॉग था, ठीक है। तो बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी वॉज द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और हमारा आज की विनर है प्राचीति एंड विवेक स्वामी, बट आई विल डिक्लेयर एवरीवन एज अ विनर टुडे बिकॉज आप सब ने अच्छा आंसर दिए। अरे जी मार्कर एवरीवन, आज के विनर सब है। तो यस इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमने आपका पोयम सेक्शन ए टू जेड फिनिश कर दिए है, नॉवल सेक्शन भी ए टू जेड फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, कौन सी नेक्स्ट वीडियो अपने आने वाली है, चैप्टर नंबर 5, जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ा दो, बहुत ही डेंजरस है ना, एकदम आसान बना दूंगी। और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द न्यू ड्रेस, इसको वन शॉट में पढ़ेंगे कल रात 9 बजे, ठीक है। तो रेडी रहना कल रात 9 बजे चैप्टर नंबर 5 न्यू ड्रेस। Do you have any kinds of doubt related to this novel? So I am watching. You can ask. मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा आप लोगों से बातचीत करती हूँ, आप लोगों के डाउट सॉल्व करती हूँ, फिर ये सेशन को एंड कर दूंगी, ठीक है। So do you want to ask something? Do you have any kind of doubts? The comment section is open for you all. आफ्ताब अंसारी को देखो, सब जोनाथन स्मॉल जैसा बनना, हमारा नहीं तो किसी का नहीं। अच्छा तो तुमने इधर पे पढ़ लिए थे कि मैंने जो इधर पे लिखी थी, कहाँ गया वो? अगर हमारा नहीं तो किसी का नहीं, क्या बात है यार, बड़ी तेज नजर है आपकी। हाँ तो जोनाथन स्मॉल का माइंडसेट कैसा था, उसने अपना जो ट्रेजर है, खजाना, क्यों फेंक दिया था पानी में, रिवर में, बोला कि ये मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं, बर्बाद कर दूंगा, अगर मेरे हाथ में नहीं आ रहा है तो किसी और के हाथ में भी जाने नहीं दूंगा, वो चीज को ही खत्म कर दो। वाह व्हाट अ लॉजिक। इसकी नोट्स जो है आई थिंक, इसके नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये वाली जो नॉवल है इसको स्टोरी की तरह ही पढ़ो। मैंने आपको जो स्टोरी बताई हूँ, जो भी कैरेक्टर्स बताई हूँ, कैरेक्टर स्केच बताई हूँ, बस उतना ही पढ़ो, उतना काफी है। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो इस चैप्टर जो मैंने आज आपको पढ़ाई हूँ उसी इसी वीडियो से आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मतलब मैं आई विल शेयर दी नोट्स, बट अभी वो नोट्स नहीं है मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नॉवल नंबर 3 एंड नॉवल नंबर 4 की नोट्स मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये काम आप लोग खुद से करिए, ठीक है। नॉवल नंबर 1 एंड 2 का तो मैंने नोट्स आपको दे दी हूँ, 3 एंड 4 का मुझे इतना रिक्वायरमेंट नहीं लगा कि इसकी क्या ही नोट्स बनाऊँ। इस मतलब इसमें पूरी स्टोरी सिंपल तरीके से अगर मैं समझा दूँ, अगर सामने वाले को समझ में आ जाए, उतना ही काफी है, ठीक है।
मैरी के डैड को किसी ने नहीं मारा, मैरी के डैड की बस नॉर्मली हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और वो चले गए. वेलकम हैप्पी ओन लाइफ. मैम सुनो ना, मैरी के डैड को किसने, वही मैरी के डैडी को किसी ने नहीं मारा, उनकी डेथ बस नॉर्मल हार्ट अटैक से हो गई. ठीक है, ये चीज आपको बस याद रखनी. अच्छी बात है, अगर जो भी बच्चों ने इस नॉवेल नंबर 3 या नॉवेल नंबर 4 की नोट्स बनाए हो तो मुझे सेंड कर दो. ठीक है, मुझे सेंड कर दो. उसमें से कुछ रेक्टिफिकेशन करना होगा तो रेक्टिफिकेशन करके मैं बाकी सारे अपना जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, उधर शेयर कर दूंगी, तो सबका भला हो जाएगा. कल चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और परसों चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, तो अपना फिर पूरा इंग्लिश का सिलेबस फिनिश हो जाएगा. बस थोड़ा राइटिंग स्किल बाकी रहेगा और दिसंबर में ग्रामर करेंगे. ठीक है, तो फिर जो अपना मेंटी है